हेलो गाइस, मैं आ गया हूँ आपके सामने और एक नया टॉपिक के साथ। और मैं जो भी टॉपिक लेके आता हूँ वो ट्रस्टेड फूले होते हैं, वो जेन्युइन काम करते हैं। अगर आप नहीं जानते हो तो मेरे सब वीडियो देखे और आप खुद ही जान दिए कि मैं कोई फेक वीडियो बना रहा हूँ या नहीं। तो आज मैं जो ट्रस्टेड फूल ट्रिक्स में बोलने वाला हूँ वो है कैसे आप आपके व्हाट्सएप की स्टेटस वीडियो या फिर इमेज वगैरह को आप कैसे बिना किसी नेट के या फिर वाईफाई के द्वारा आप आपके गैलरी में वो स्टेटस वीडियो लेके आ सकते हो, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के द्वारा। मैं मेरे मोबाइल पे व्हाट्सएप स्टेटस के एक इमेज को मैं मेरी गैलरी पे लेके आके देखाऊंगा वो कैसे काम करते हैं। और आप भी उसी तरह से आपके मोबाइल में भी वो इमेज या फिर वीडियो वगैरह को आप गैलरी में लेके आ सकते हो बिना किसी एप्लीकेशन या फिर बिना किसी नेट के मदद के द्वारा। तो इससे पहले आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दें। सो वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते, चले शुरू करते। तो मैं आ गया हूँ मेरे मोबाइल के होम स्क्रीन पर। तो चलिए मैं मेरे व्हाट्सएप में चले जाके दिखाता हूँ मेरे एक व्हाट्सएप स्टेटस इमेज को। जैसे कि ये इमेज है, ये इमेज अभी मैं नेट से ही मेरे मोबाइल पे ये इमेज को मैं देख रहा हूँ। मेरे स्टेटस में ये इमेज है। तो मैं इस इमेज को मैं बिना किसी नेट के द्वारा ही मैं मेरी गैलरी में ये इमेज को लेके आके दिखाऊंगा कैसे आप करेंगे वो काम। तो मैं देख रहा हूँ मेरे मोबाइल डाटा, ये मैं ऑफ कर दे रहा हूँ। तो उसके बाद मैं मेरे माय फाइल्स मोबाइल इंटरनल स्टोरेज में जाके व्हाट्सएप फाइल करके एक फाइल होगी तो उसमें आप क्लिक करके उसके बाद ये मीडिया ऑप्शन है उसमें क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे कोई स्टेटस करके कोई भी फोल्डर्स नज़र नहीं आ रहे। तो ये फोल्डर अब नज़र आ जाएंगे एक सेटिंग के बाद। तो वो सेटिंग कैसे करें, यहाँ पे थ्री डॉट करके शो हो रहा है ऊपर, इसमें क्लिक करने के बाद आप सेटिंग पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे शो होगी शो हिडन फाइल्स, इस फंक्शन को आप ऑन कर देंगे। तो उसके बाद आप बैक करके जब भी चले आएंगे तो उसके बाद आपके सामने नजर आ जाएंगे ऊपर ही स्टेटस करके ये फाइल। तो ये फाइल को आप क्लिक कर देंगे तो उसमें आपके मोबाइल में जो भी स्टेटस वीडियो या फिर इमेजेस वगैरह जो भी आप देखे हो आपके व्हाट्सएप स्टेटस में तो वो यहाँ पे शो हो रहा है। जैसे कि मैं आपको व्हाट्सएप स्टेटस में ये इमेज को मैंने दिखाया था, इसको मैं मेरे गैलरी पे बिना किसी नेट के द्वारा ही मैं लेके आऊँगा। तो इस इमेज को मैं कैसे लेके आऊँ आप देख सकते हो, मेरे मोबाइल डाटा ऑफ है। तो चलिए इस इमेज को मैं लॉन्ग प्रेस करके सिलेक्ट कर ले आऊँ। उसके बाद आप देख सकते हो नीचे कॉपी करके ऑप्शन शो रहे, उसको मैं कॉपी कर ले रहा हूँ ये इमेज को। तो उसके बाद मैं बैक करके मैं मेरे इंटरनल स्टोरेज पे चला आया हूँ। आप देख सकते हैं मेरे इंटरनल स्टोरेज पे मैं चला आया हूँ। तो इसमें मैं जिस किसी भी एक फाइल में, जैसे कि यहाँ पे डाउनलोड करके एक फाइल शो हो रहा है, इसमें मैं ये जो कॉपी कर लिया था वो इमेज को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर दिया तो मैं बैक करके चला आया हूँ, मैं मेरे होम स्क्रीन पर चला आया हूँ। तो मैं मेरे गैलरी पर चले के दिखाता हूँ वो इमेज है, देख सकते हो मैं मेरा गैलरी पे आके मैं आपको ये इमेज में शो करके दिखा रहा हूँ जो इमेज में आपको व्हाट्सएप स्टेटस में दिखाया था। ये मैं बिना किसी इंटरनेट के द्वारा या फिर बिना किसी फाइल एप्लीकेशन के द्वारा ही मैं ये काम कर लिया। इस तरह से आप भी आपके व्हाट्सएप स्टेटस के इमेजेस या फिर वीडियो जो भी वीडियो या फिर जो भी इमेजेस वगैरह को आप देखे हो वो इमेजेस को या फिर वो वीडियो को आप नेट बंद करके और बिना किसी एप्लीकेशन के द्वारा ही आप वो आपके इमेजेस या फिर वीडियो को आप आपके गैलरी में लेके आ सकते हो इस तरह से। तो ये ट्रिक कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही साथ इस वीडियो को आप आपके फ्रेंड के साथ शेयर करें, आपको फ्रेंड को भी पता चल जाएगा ये इस तरह से नेट बंद करके आपके व्हाट्सएप में किसी भी फाइल या किसी भी इमेज वगैरह या फिर किसी भी वीडियो को कैसे गैलरी में लेके आ सकते हैं। तो अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे जिससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी मैं कोई ट्रस्टेड वाला कोई वीडियो में लेके आऊँ। तो आपके साथ फिर मिलते हैं नया कोई ट्रस्टेड टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।